नक्सलियों के टॉप लीडर और केंद्रीय कमेटी सदस्य गणेश उइके इन दिनों बैलाडीला के तराई इलाके में हैं। इसके बाद पुलिस अलर्ट हो गई है। इस बीच खबर है कि सर्चिंग पर निकली डीआरजी एसटीएफ टीम और दरभा डिवीजन के माओवादी के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें सुरक्षा बल को भारी पड़ते देखकर माओवादी अपना डेरा छोड़कर भाग गए। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को 25 लाख के इनामी नक्सली लीडर गणेश उइके के बैलाडीला के तराई इलाके में होने की इनपुट मिली थी। गणेश के साथ 20 से अधिक हथियारबंद और वर्दीधारी नक्सली भी हैं। इस सूचना के बाद पुलिस सतर्क हो गई और किसी बड़ी वारदात की आशंका में इलाके के सभी जवानों को सतर्क करने के साथ ही मुखबिरों को भी एक्टिव कर दिया गया। इस संबंध में एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने कहा कि नक्सली नेता गणेश उइके के तराई इलाके में होने की सूचना मिली है, उसे घेरने की रणनीति बनाई जा रही है। इधर दंतेवाड़ा के थाना अरनपुर अंतर्गत पोचाली मिर्चीपारा में डीआरजी और एसटीएफ की दरभा डिवीजन के माओवादी कैडर के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें सुरक्षा बल को भारी पड़ते देखकर माओवादी अपने डेरे से सामान छोड़कर भाग निकले। सर्चिंग करने पर माओवादियों की दैनिक उपयोग की सामग्री, बिजली के तार, बैनर, पोस्टर और अन्य सामग्री जब्त की गई है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।